मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के निर्देश के अनुसार श्योपुर जिले में फिर से जिले भर के लगभग 600 कर्मचारी हड़ताल के माध्यम से अपनी विभागीय सिविलियन जॉब सिक्योरिटी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। बता दें कि 6 दिसंबर को आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की थी, जहां लिखित पत्र के माध्यम से आंदोलन को समर्थन प्रदान किया जाने के बाद सभी संगठन प्रमुखों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा में निष्कर्ष निकाला था कि अधिकतर मांगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर की हैं। महोदय के द्वारा चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीयों और इन्वेस्टर मीट को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 15 दिन के अंदर चर्चा कराकर मांगों के संबंध में निर्णय के लिए आश्वासन दिया गया, जहां आश्वासन को ध्यान में रखकर आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया। मगर 11 दिन बीत जाने के बाद भी संगठन के साथ मुख्यमंत्री की बैठक की तिथि निर्धारण नहीं कर सके, जहां संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के निर्देश के बाद आज से अनिश्चितकाल के लिए आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर फिर से सड़क पर उतर आए हैं, जहां आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के चलते फिर से बिजली की व्यवस्था बिगड़ सकती है। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं? क्या मांग है आपकी और कब से आप मांग करते आ रहे हैं, यहाँ आने का क्या रीजन है? पिछले कई सालों से हमारी जो मांगे चल रही है वो तो विभागीय सम्मिलियन, एक जो जॉब सिक्योरिटी है, ताकि हमें मतलब किसी दबाव में आकर बार बार किसी लड़कों को हटाया नहीं जाए, उनको कम से कम जॉब सिक्योरिटी हो उनकी। और शासन प्रशासन स्तर पे हमारी हमेशा मांग रही है कि जो हमारा जो वेतनमान है वो हमें बहुत ही कम दिया जा रहा है, उस वेतनमान में वृद्धि की जाए, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो लड़के 10-15 साल से काम कर रहे हैं उन्हें, वो भी 10,000 में नौकरी कर रहे हैं। तो दूसरी बात, जो हमारी 6 तारीख से जो हड़ताल थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, तो पीएस महोदय के आश्वासन के बाद हमने हड़ताल को 15 दिन के लिए, उन्होंने कहा था कि 15 दिन का आप हमें समय दीजिए, 15 दिन में आप कि हम मुख्यमंत्री महोदय से बात करवा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा या पीएस महोदय द्वारा अभी तक कोई लिखित आश्वासन हमें नहीं मिला, इसलिए हमें 21 तारीख आज से उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ रहा है। हमारी शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री पीएस महोदय से विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और हमारी जो भी मांग है उस पर तुरंत हमें लिखित में आश्वासन दिया जाए, ताकि हम अपनी इस हड़ताल के बारे में आगे की रणनीति के बारे में बता पाएं। तो अभी आपने जो आज 21 तारीख से प्रारंभ की है ये हड़ताल, कब तक जारी रहेगी? जो अनिश्चित, जो हमारा प्रदेश संगठन जो तय करेगा, जो दिशा निर्देश हमें देगा, उस हिसाब से हमारी हड़तालें चलती रहेंगी। अगर प्रदेश संगठन हमसे ये बोलेगा कि आप अनिश्चितकालीन बैठिए, तो हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अगर ऊपर से हमें संगठन आदेश दे देगा कि हमारी जो वार्तालाप है लिखित में आश्वासन मिल गया, आप अपनी हड़ताल समाप्त कीजिए, तो हम अपनी हड़ताल को समाप्त कर देंगे। लेकिन बार बार हम वही निवेदन कर रहे हैं कि पीएस महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दोनों से विनम्र निवेदन है कि हमारी जो मांगें हैं तुरंत उन पर पूरी की जाए।